डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डायमेंशन, और हम डायमेंशन बताएंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी का, और हम ड्राइव करेंगे एक्चुअली। तो कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम देख लेते हैं। इसका जो डायमेंशन है, क्या डायमेंशन सिंबल लेंथ का है एल, ठीक है, और मास का है एम, कैपिटल एम, टाइम का है स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट का है कैपिटल आई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का है कैपिटल टी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है आई वी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है एन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपके कॉलेज या इंटर में आते हैं, ठीक है। फिर भी आपको पता होना चाहिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या है, आई वी है, और अमाउंट सब्सटेंस एन है, ये डायमेंशन सिंबल, ठीक है। हम कुछ प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ स्लाइड्स, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा तो हम कुछ ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो है एरिया, एरिया को हम ड्राइव करेंगे, इसकी डायमेंशन निकालना है एक्चुअली। एरिया होता क्या है एक्चुअली, एरिया का फॉर्मूला क्या है? अगर हम एरिया का फॉर्मूला देखें, एरिया फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ऐसे ही है ना, ये है एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, लेंथ को हम इसमें कैसे लिखते हैं? अभी हमने बताया कैपिटल एल मल्टीप्लाई कैपिटल एन, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इस एरिया का जो डायमेंशन सिंबल है वो क्या है, एल स्क्वायर, ठीक, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, एरिया का हो गया। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम का देखें, वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम होता है आपके पास लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, थ्री टाइम्स है, तो इसको एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, तो क्या हो जाएगा एल क्यूब, ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन, इस फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, वेलोस डेंसिटी, डेंसिटी के देख लेते हैं हम। डेंसिटी का पहले फॉर्मूला पता होना, डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है ना, ठीक है। तो मास हमारे पास क्या है, हम उसको लिखते हैं किससे, एम से, और वॉल्यूम को अभी हमने बताया एल क्यूब से, इसका क्या आ जाएगा, ये डायमेंशन। इसको हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एम ये एल क्यूब है, एल क्यूब का अगर ऊपर लाए तो +3 की जगह ऊपर आके तो आ जाएगा माइनस, ये हमारा आंसर है। डेंसिटी हो गया हमारे पास, अब आते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है भाई? हाँ भाई, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, ऐसे होता है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का जो है वो क्या है, आपके पास लेंथ है, और टाइम का क्या है, स्मॉल टी, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एल, और ये +1 है पावर, तो ऊपर जाके क्या -1, तो क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सप्रेशन होता है, यानी क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन का फॉर्मूला एल टी इनवर्स, और नीचे क्या है टी, तो क्या हो जाएगा एल टी -1, ये हो जाएगा, और ये टी जो है ऊपर जाएगा तो क्या होगा टी -1, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी, तो टी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सही है। अच्छा,
अच्छा भाई, अब हम निकालते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला पहले देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सलरेशन। मास की यूनिट क्या है अगर हम बात करें? मास हमारे पास है, उसकी डायमेंशन है एम, और एक्सलरेशन अभी हमने निकाला है वो क्या है? एल टी माइनस टू। ठीक है, यानी एल टी माइनस टू। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, ये उसका डायमेंशन निकल गया। किसका? फोर्स का डायमेंशन निकल गया। अच्छा बाजो, वर्क 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 को कैसे निकालेंगे? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के भी यूनिट क्या है? एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या है? डिस्टेंस एल। तो क्या बन जाएगा? एम, ये एम की पावर वन, ठीक है, एल और ये एल पावर एड हो जाएंगे, वन प्लस वन टू, और टी माइनस टू। वर्क का जो फॉर्मूला हमारे पास हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमारा आंसर। ठीक है, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ प्रेशर के लिए। प्रेशर है आपके पास, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स के अभी यूनिट क्या है हमें देखा था? एम एल टी की पावर माइनस टू डिवाइड, एरिया की यूनिट क्या है? एल स्क्वायर। तो ये एक ये पावर कम कर देगा, क्या जाएगा? एम टी माइनस टू, नीचे एल आ जाएगा। अब एल की पावर वन है, उसको हम ऊपर ले जाते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये किसके यूनिट हो जाएगी आपके पास? प्रेशर की। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब आ जाओ, प्रेशर हो गया हमारे पास, अब आ जाओ पावर। पावर क्या होता है? पहले सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। पावर होता है, हाँ भाई, पावर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क डन डिवाइड टाइम, तो वर्क डन मीन्स एनर्जी जो हमने निकाला है वर्क, वो क्या था हमारे पास? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, हमने ये निकाला था वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, ये है टी माइनस टू। अच्छा, तो डिवाइड बाय टाइम, नीचे टाइम को हम स्मॉल टी से लिखेंगे, तो टी के बाद वन, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, माइनस टू माइनस वन का जाएगा आपके पास, माइनस टू माइनस वन। तो हमारे पास बन जाएगा पावर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। देखो ये डायमेंशन अभी आपको लगा कुछ नहीं, ये आगे चल के काम आएगा। जब आप क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करेंगे ना, तो लेफ्ट साइड राइट साइड बैलेंस करके हमें मालूम है हमारे जो सही आया है, यूनिट को देखते हुए, इसके हमें डायमेंशन को देखते हुए। ठीक है, आगे चल के पता हो, जब आप फ्लू डायनेमिक्स पढ़ोगे ना तब आगे क्लियर होगा। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। अब आ जाए लास्ट, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हमें पढ़ा हुआ हीट कैपेसिटी होता है, नोट करते हैं, वो होता है क्यू ओवर एम डेल्टा टी। और क्यू जो होता है हीट, वो जो कि वर्क का फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये था ना हमारे पास, देख लेते हैं वर्क का, वर्क के यूनिट का जूल। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, डिवाइड बाय, और एम मास की यूनिट क्या है? एम, और डेल्टा टी की यूनिट क्या है आपके पास? टी। तो इससे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? सी के जो है डायमेंशन एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू कैपिटल टी बचेगा। ठीक है, तो टी माइनस वन, ठीक है, ये टी पर जाएगा टी माइनस वन। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया?
हीट कैपेसिटी कम हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक कीजिएगा और दोस्तों ने शेयर करें ताकि काफी लोगों को हेल्प हो। और अभी आप लोगों का एनटी टेस्ट आएगा तो इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।